हवा तक पहुंच गया सीएम और पीएम का विवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर को होशियारपुर और जालंधर के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि पीएम मोदी के राज्य के दौरे के बीच क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। चन्नी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होशियारपुर में चुनावी रैली में शामिल होना था, जबकि पीएम मोदी सोमवार को पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करने पंजाब गए थे। पीएम मोदी जालंधर में प्रचार के लिए गए थे और पिछले महीने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद यह राज्य में उनका पहला दौरा था। अधिकारियों ने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू होने के कारण चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चन्नी ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, वह आतंकवादी नहीं है और आप उसे होशियारपुर के लिए उड़ान भरने से रोक रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है। चन्नी को राहुल गांधी की होशियारपुर रैली में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ से उड़ान भरनी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें हेलीपैड से ही लौटना पड़ा। न्यूज एजेंसी ANI ने सीएम चन्नी के हवाले से कहा, मैं सुबह 11 बजे ऊना में था, लेकिन पीएम मोदी के मूवमेंट के कारण अचानक उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। मैं होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली अटेंड नहीं कर पाया। हालांकि चन्नी होशियारपुर के लिए उड़ान नहीं भर पाए, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को होशियारपुर में लैंड करने की इजाजत दी गई। पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कहा, सीएम को यहां आना था, लेकिन यह शर्मनाक है कि इस सरकार ने चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर से होशियारपुर आने की इजाजत रद्द कर ली। यदि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता तो मैं समझूंगा कि यह चुनाव तमाशा है, दिखावा है।